गुड मॉर्निंग बच्चों, KDRS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में अपना जो पार्ट था डाई एजोनियम लवण, उस लवण में हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे थे। और मैंने कहा था डाई एजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हमने कल पढ़ ली थी, और नंबर दो युग्मन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तो डाई एजो समूह का वियोजन हो जाता है। डाई एजो समूह किसी एकल समूह के द्वारा टूट जाता है या विस्थापित हो जाता है, जबकि युग्मन अभिक्रिया में लिख रखा है मैंने, देखो, डाई एजो समूह सुरक्षित रहता है, अर्थात इसमें एन डबल बॉन्ड एन समूह का दो बेंजीन बलयों के मध्य में, दो बेंजीन बलयों के मध्य में क्या हो जाता है, युग्म विस्तारित संयुग्मन होता है। तो इन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। युग्मन का मतलब हमें तोड़ना नहीं है, हमें दो बेंजीन बलयों के मध्य में एजो समूह को सुरक्षित रखना है, यानी एजो समूह विस्तारित नहीं होगा, संयुग्मित होगा। सबसे पहली अभिक्रिया मैंने एनिलीन से अभिक्रिया कराई है। एनिलीन से अभिक्रिया किसकी कराई है, ध्यान देना बोर्ड पे, एनिलीन की अभिक्रिया कराई है बेंजीन डाई एजोनियम लवण की, डाई एजोनियम लवण की बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया एनिलीन से कराने पर। अब सर, एनिलीन का सूत्र तो बेंजीन के संग NH2 समूह होता है, आपने ये H कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ भी H है, 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 सब जगह हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो इस हाइड्रोजन परमाणु को दिखाने के लिए मैंने कहाँ रख दिया, इसको बाहर निकाल के रख दिया। तो ये वाला H और ये वाला Cl तो आपस में अभिक्रिया करके HCl का निर्माण कर लेगा, और क्या बन जाएगा आपका, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। सर ये पैरा एमिनो एजो बेंजीन कैसे नामकरण किया, ध्यान से देखो, पैरा एमिनो ये बेंजीन की स्थिति है, ये आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा या आर्थो मेटा पैरा कैसे भी बोल सकते हैं, तो पैरा ये हो गया आपका। तो पैरा पैरा NH2 समूह को अपन क्या बोलेंगे, एमिनो समूह। ये आप लोगों का कौन सा समूह है, एजो, तो एजो, और दो बेंजीन है तो मैंने बेंजीन लगा दिया। चाहे तो डाई बेंजीन बोल सकते हैं, ये अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन बोल सकते हैं। इसका रंग कैसा आएगा आप लोगों का, इसका रंग आएगा आप लोगों का नारंगी, अर्थात इसका रंग प्रदर्शित हो रहा है, तो रंग प्रदर्शित होने के कारण ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, रंजक। ध्यान से देखो, ये आप लोगों का डाई एजोनियम लवण, ये आप लोगों का एनिलीन, एच और सीएल आपस में रिएक्शन करके एचसीएल बाहर निकाल दिया। मैंने कहा दो बेंजीन बलयों के मध्य में, तो दो बेंजीन बलयों के मध्य में डाई एजो समूह क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो डाई एजो समूह आप लोगों का क्या है, सुरक्षित है, दोनों बेंजीन बलयों के मध्य में डाई एजो समूह मैंने जोड़ दिया, और एक प्रकार का रंजक प्राप्त हो गया जिसका रंग कैसा है आप लोगों का, नारंगी। ये तो अभिक्रिया हुई किससे, एनिलीन से। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम चर्चा करते हैं। नंबर एक तो आप लोगों की हो गई एनिलीन से अभिक्रिया, नंबर दो हम बात कर रहे हैं फिनोल से अभिक्रिया। तो मैंने लिखा नंबर दो, ये लिख दिया नंबर दो, अपन बात कर रहे हैं फिनोल से। तो जैसे ही हम फिनोल से अभिक्रिया की बात करेंगे, क्या लिखेंगे हम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल से कराने पर, किससे कराने पर, फिनोल से कराने पर। कराओ, दिक्कत क्या है आप लोगों को, ये आप लोगों का बेंजीन, ये आप लोगों का डाई एजोनियम, ये आप लोगों का क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है फिनोल से।
फिनोल का सूत्र OH। अब वही वाली बात आ गई कि यहाँ मैं क्या बाहर निकालूंगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और H और Cl आपस में अभिक्रिया करके क्या बाहर निकालेंगे, HCl। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, इकाई का सूत्र है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया, ये आप लोगों का फिनोल का सूत्र हो गया। अब दोनों की जैसे ही रिएक्शन करवाई तो H और Cl आपस में रिएक्शन करके क्या बाहर निकालेंगे, माइनस करके मैंने निकाल दिया HCl। और आपको पता है युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, कि सर युग्मन अभिक्रिया में दो बेंजीन वलयों के मध्य में डाई एजो समूह क्या हो जाता है, सुरक्षित रह जाता है। तो बना दो इस रिएक्शन को, क्या दिक्कत है, ये बेंजीन एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या आ गया आप लोगों का OH। अब इसका नामकरण करें अपन, तो नामकरण में ध्यान दो वही वाली बात, ये आप लोगों का पैरा समूह, तो मैंने लिख दिया पैरा, OH आपका हाइड्रोक्सी समूह, तो मैंने लिख दिया हाइड्रोक्सी, ये आप लोगों का एजो समूह तो एजो, डाइबेंजीन लिखो तो डाइबेंजीन और बेंजीन लिखो तो बेंजीन, ये आप लोगों का बेंजीन, ये भी एक प्रकार का रंजक है जिसका रंग कैसा होगा बेटा, नारंगी। तो एनिलीन से अभिक्रिया कराने पर तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्राप्त होगा, और फिनोल से अभिक्रिया कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होगा, वो भी रंजक है, ये भी रंजक है, दोनों का रंगी नारंगी हो गया। नंबर थर्ड बात कर रहे हैं बीटा नेप्थेनॉल से, ये लिख दिया मैंने बीटा नेप्थेनॉल से, बीटा नेप्थेनॉल से क्या बनेगा, एक लाल रंग का रंजक बनेगा, लाल रंग का क्या बनेगा, रंजक। रिएक्शन हम कराएं तो वही मैंने कहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आप लोगों का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये लो इसकी अभिक्रिया हम किससे करानी है, बीटा नेप्थेनॉल से करानी है, तो बीटा नेप्थेनॉल का सूत्र देखो, ये आप लोगों का बीटा नेप्थेनॉल का सूत्र। अब मैं आप लोगों से कहूंगा क्या, यहाँ भी एच है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया आप लोगों का, हाइड्रोजन परमाणु। जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु लगाया तो ये एच और सी एल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एस सी एल। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ये आप लोगों का क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये क्या है आप लोगों का, बीटा नेप्थेनॉल। जैसे रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने पर तो मैंने क्या बाहर निकाल दिया, HCl। HCl निकालने के बाद क्या बनेगा आप लोगों का प्रोडक्ट, ये बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और यहां लग जाएगा आप लोगों का बेंजीन, ये आप लोगों का OH, ये आप लोगों का बेंजीन हो गया। चलो अब इसका नामकरण करें, तो नामकरण करने के लिए सर पहले तो हम पैरा स्थिति से नामकरण कर लेते थे, लेकिन अब पैरा स्थिति से नामकरण नहीं होगा, तो यहाँ से करो, दिस इज ए बेंजीन के, दिस इज ए फेनिल के, सर फेनिल, तो लिख दिया फेनिल, फेनिल हो गया, ये आपका एजो समूह, तो एजो,
और ये आप लोगों का कौन सा समूह? बीटा नेप्थेनॉल, तो फेनिल एजो बीटा नेप्थेनॉल। ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा? रंजक, जिसका रंग कैसा है? लाल। ये आज डाई एजोनियम लवण की आप लोगों की रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी पार्ट नंबर जो आप लोगों का सेकंड था, पार्ट नंबर जो आप लोगों का सेकंड था डाई एजोनियम लवण, ये लवण आपका पूर्ण हो चुका है। ध्यान रहे, इस टॉपिक का संडे के दिन टेस्ट होगा, तो इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ ले। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर थर्ड साइनाइड और आइसोसाइनाइड की चर्चा करेंगे।